बनाया किसने है? तो जूलियन अंसाजी एवं जॉन यंग ने बनाया है, विकिपीडिया के अनुसार है, किस है ना, कब बनाया? 4 अक्टूबर 2006 को। ऑनलाइन भुगतान के लिए यूज होता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिजिटल वॉलेट डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। आपको नाम प्रोटोकॉल याद रखना है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोसेस होने के बाद हम लोग को सूचना के रूप में दिखेगा, है ना, इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखेगा। ओके, और पहला कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था, ऑप्शन है यहाँ पर। याद रखने की ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफर इसी के अंतर्गत होता है। कैलकुलेटर कार्ड की जो मेमोरी क्षमता कितनी होती है? 1 GB से लेके 12 GB तक होती है। और जनरली जो वीडियो एडिटिंग करते हैं कंप्यूटर में, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, F5 को दबाया जाता है। ध्यान दीजिएगा स्लाइड शो के लिए, तो याद रखिएगा, है ना। तो ये शॉर्टकट की है, ध्यान दीजिएगा। ये आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, Windows XP। ओके, ध्यान दीजिएगा Windows XP, और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, है ना। कुछ पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो POS पूछा गया है, देख लीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, इससे कैशलेस लेन देन होता है, है ना। और फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल डिजिटल पेमेंट के लिए यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, इस मशीन के द्वारा क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार किया जाता है। ध्यान दीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ सेल इसका जो है पूरा नाम है। ओके, देखिए, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ के बारे में IT अधिनियम की किस अनुभाग को संदर्भित करता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ओके, IT अधिनियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 65। ओके, याद रखिएगा 65। चलिए देखेंगे, तो याद रखना है कि सूचना तकनीक अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 याद रखिएगा भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। याद रखिएगा कब, 17 अक्टूबर। ओके, तो देखिएगा इसके संबंध में धारा को देखिए, तो याद रखने की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत, है ना, इसके तहत किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना, जैसे आपका होता है ना आजकल, जैसे अश्लील वीडियो दिखाकर, है ना, धमकी देते हैं, ठीक है, शारीरिक शोषण करते हैं, इमेज भेजते हैं, तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ओके, याद रखिएगा इसके तहत उनको सजा मिलेगी, कौन सी धारा, ये 66A के तहत, याद रखिएगा। ओके, और भी है याद रखने की IT एक्ट 2000 की धारा 65 में ये संदर्भित है कि कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ जो है छेड़छाड़ अथवा जानबूझकर किसी अन्य से छिपवाता है या नष्ट करता है या परिवर्तित करता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोस्तों याद रखना है 3 वर्ष तक हो सकता है उसको सजा, या जुर्माना हो सकता है 2 लाख रुपए का, या दोनों भी हो सकता है। ओके, तो याद रखने की धारा 65। ओके, IT धारा है, आपको याद होना चाहिए, पूछा गया सवाल है, है ना, 2021 का ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, देख लीजिएगा, इंडियन कंपनी कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, HP नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाकी तीनों है, तो HP जो है HP माफ करिएगा, जापान का नहीं है, ये US की कंपनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा HP कहाँ की कंपनी है, US की कंपनी है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो याद रखने की भारत के जो है सॉफ्टवेयर एवं प्रदाता कंपनी जो है विप्रो, है ना, इंपॉर्टेंट है, विप्रो लिमिटेड की जो है स्थापना 1945 में महाराष्ट्र के अमलनेर में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है कर्नाटक बेंगलोर में है, ध्यान दीजिएगा। और विप्रो लिमिटेड याद रखिएगा भारत की जो है शीर्ष टॉप 10 सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल है। याद रखना है कि इसके जो प्रमुख कौन है, अजीम प्रेम जी। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि प्रमुख जो है सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी कौन कौन है, देख लीजिएगा यहाँ पर, देखिए HCL है, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनकी जो स्थापना है 1976 में शिव नाडार ने की थी। और भी है इंफोसिस लिमिटेड की स्थापना 1981 में NR नारायण मूर्ति ने की थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी है। ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये भी है। ओके, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए लार्सन हो गया, और है ना बाकी माइंड ट्री लिमिटेड, ठीक है, एम्फेसिस लिमिटेड की जो स्थापना है 2000 में जेरी राव और जेरोइन टेस्ट ने किया था। वहीं क्वेस कार्प लिमिटेड की स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है, और टेच महिंद्रा लिमिटेड। तो ये सब आपको रखना है दोस्तों, इंडियन कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, तो ये सब है रखना है आपको याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, विकिलीक्स के संस्थापक कौन है? तो कौन है विकिलीक्स के बारे में आप सुने होंगे दोस्तों, ठीक है, तो खुफिया जानकारी के लिए ये प्रसिद्ध है।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जूलियन अंसाजे। याद रखिएगा जूलियन अंसाजे। तो याद रखना है कि जो है ना विकिलीक्स एक क्या है, ऐसी इंटरनेट वेबसाइट है दोस्तों जो विभिन्न देशों के जो है सरकारों है ना उनकी नीतियों के बारे में जो है खुफिया महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। ओके, याद रखना बनाया किसने है, तो जूलियन अंसाजे एवं जॉन यंग ने बनाया है, विकिपीडिया के अनुसार है, किस है ना कब बनाया, 4 अक्टूबर 2006 को। ओके, तो याद रखिएगा इसको, पूछा जा सकता है हर प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित कर सकता है, तो जीपीएस के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये किसके द्वारा जो है स्थानों को दर्शाता है, तो ऊपर में है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, उपग्रहों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा जीपीएस का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, याद रखिएगा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है, तो कौन सा है जो गेमिंग कंसोल नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है ना, गेमिंग सॉफ्टवेयर इसके संबंध में ही है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, गूगल पे ये नहीं है गेमिंग कंसोल, तो ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना गूगल पे क्या है, एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन भुगतान के लिए यूज होता है, आपके पास भी होगा। तो यही है कि गेमिंग, ठीक है, गेमिंग कंसोल क्या होता है, इसका मतलब एक वीडियो गेम कंसोल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो वीडियो गेम को प्रदर्शित करने के लिए एक वीडियो सिग्नल या छवि को आउटपुट करता है जिसे गेम कंट्रोलर के साथ खेला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है गेमिंग कंसोल सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, आपको क्या करना है पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, है ना, आपको पढ़ना है ईमानदारी के साथ इसको। ओके, तो याद रखिएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वॉलेट कौन कौन से है जो भारत में डिजिटल वॉलेट है ना पेमेंट के लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए यूज होता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिजिटल वॉलेट डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता, आपको रखना है याद ये सबको, पेटीएम, फोन पे, ICICI है ना, पॉकेट्स, सिटी मास्टर पास, ओला मनी हो गया, ऑक्सीजन पे, यू मनी। ओके, और भी है देखिएगा, गूगल पे फ्री रिचार्ज, ठीक है, जियो मनी, मोबिक्विक, मिस स्विप, एम सिप है, और सिट्रस पे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सबको रखना है आपको याद, अमेजन पे, भीम है ना, भीम के बारे में आप लोग सुने होंगे, HDFC पे ऐप, ओके, योनो SBI, वोडाफोन, एम पैसा, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, और अंत में मोमोई एक्सप्रेस है, ठीक है, ये सब आपको रखना है याद, है ना। चलिए देखिए, डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है, तो क्या नाम है, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, CMOS, याद रखना है CMOS फुल फॉर्म, देखिए याद रखना है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा जो डिजिटल घड़ी होता है ना, देखेंगे हाथ में उसमें सेल लगा रहता है, तो वैसे ही होता है लेकिन आकार में वो बड़ा होता है, ठीक है, तो याद रखना है कि CMOS यह क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, और ये याद रखना है कि मेमोरी चिप की तरह होता है जो मदरबोर्ड में लगी होती है, इनबिल्ड होती है उसी में, है ना, ऊपर से उसको लगाया जा सकता है, ठीक है, निकाल कर फिर से लगाया जा सकता है, अगर वो नहीं रहेगा दोस्तों तो डेट टाइम नहीं दर्शाएगा, ठीक है, गलत बताता है। ओके, याद रखना है, तो ये जो है एक बैटरी की तरह है ना, बैटरी की मदद से चलती है, और इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है, और CMOS को ही रियल टाइम क्लॉक RTC के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स JPEG को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है, तो किसको संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, है ना, इमेज को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इमेज फाइल के लिए उपयोग होता है JPEG, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, फुल फॉर्म आपको पता ही है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स। ओके, याद रखिएगा। तो इमेज फाइल का और भी है दोस्तों, ठीक है, इमेज फाइल के लिए और भी जो है, देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन नेम है, तो ये सब क्या है, आपका इमेज फाइल है, ठीक है, पूछ सकता है दोस्तों, जैसे आपका MP4 होता है ना वीडियो के लिए, MP4, गाना के लिए MP3, उसी प्रकार के इमेज के लिए JPG, PNG, GIF इसका यूज होता है, ठीक है, तो इमेज फाइल टाइप याद रखना है। APNG एनिमेटेड पोर्टेबल, ठीक है, नेटवर्क ग्राफिक्स इसका दिखेगा, यहाँ पर एक्सटेंशन नेम डॉट लगा हुआ है, वो एक्सटेंशन नेम है .apng, AVIF, AV है ना, फर्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट .avif, GIF कई बार पूछा गया है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट .gif,
जेपीईजी ज्वाइंट वही है, इसका तो पता ही आपको। यहाँ पर इतना सारा देखिए एक्सटेंशन नेम दिया है, आपको बनना चाहिए। पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स डॉट पीएनजी, हम लोग पीएनजी ही यूज करते हैं, जो करंट अफेयर में बनता है ना उसमें पीएनजी यूज करते हैं। ओके, याद रखना है ये जो है ट्रांसपेरेंसी वाला जो है इमेज होता है ना, पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है पीएनजी। अगला और भी है, याद रखना है एसवीजी है ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स डॉट है ना, इसका एक्सटेंशन डॉट एसवीजी, एक्सटेंशन जो है डॉट से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। और वेब, वेब पी, वेब पिक्चर फॉर्मेट डॉट, याद रखिएगा डॉट डब्ल्यू ई बी पी। ओके, बी एम पी बिटमैप फाइल है ना, डॉट बी एम पी, आई सी ओ माइक्रोसॉफ्ट आइकन डॉट आई सी ओ, ये भी इमेज का ही है। टी आई एफ एफ, ओके, टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, डॉट टी आई एफ, ये आपका एक्सटेंशन है। ओके, तो याद रखना है ये सबको। चलिए ये अगला प्रश्न है, दो उपकरणों के बीच खाली स्थान समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है। तो दो उपकरणों के बीच जो है लिंक संबंध प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ओके, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल याद रखिएगा। तो याद रखना है पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है। ओके, याद रखिएगा। और वही है कि देखिए यहां पर पीपीटी हो गया, माफ करिएगा, यहां ट्रिपल पी है, इसको चेंज कर लीजिएगा। तो याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डाटा लिंक लेयर टू का जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ध्यान दीजिएगा, जो दो डिवाइसों के बीच वायरलेस कनेक्शन है, और यह कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा जो है साधन या संचार का साधन माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो है ज्यादातर इस्तेमाल डायल अप इंटरनेट के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और भी है जो प्रमुख लोकप्रिय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फुल फॉर्म देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, याद रखिएगा है ना, एफटीपी है ये। ओके, आईपी का तो पता ही है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना। उसके बाद देखिएगा यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, याद रखना है। एचटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा इसको। और भी है, ये भी देख लीजिएगा कि पोस्ट, ठीक है, ये आपका पीपीओ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ना, याद रखना है। आईएमएपी, तो याद रखिएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और उसके बाद एसएमटीपी, तो सिंपल मेल ट्रांसफर है ना प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है आपको रखना है याद, ठीक है। चलिए देखिए, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को उसके कार्य के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए है। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। तो पहले क्या होगा, पहले हम लोग के पास है ना डाटा रहेगा, ठीक है, डाटा को हम लोग डालेंगे, ठीक है, कंप्यूटर सीपीयू में, तो वहाँ पर क्या होगा, वो है ना प्रोसेस होगा, ठीक है, तीन, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद हम लोग को सूचना के रूप में दिखेगा, है ना, इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखेगा। ओके, और उसके बाद जहाँ हम इंफॉर्मेशन दिखा और कंट्रोल एस दबाए सेव किए, तो वो मेमोरी में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, ठीक है। चलिए वही है, देखिएगा, यही है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को दो तरीके से समझिए, देखिएगा, डाटा होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन के रूप में वो दिखेगा, और दिखने के बाद है ना सूचना के रूप में प्राप्त होगा, और उसके बाद मेमोरी में वो सेव होगा। ओके, तो यही है, वही है, देख लीजिए, कंप्यूटर की भाषा में है ना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर मेमोरी अपलोड। ओके, तो यही है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, यदि कंप्यूटर में दिखने वाला डेट और टाइम गलत हो तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो ये पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कंट्रोल पैनल का हम लोग उपयोग करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर विंडो में है ना, विंडो में सभी ओपन प्रोग्राम्स फाइल को एक साथ मिनिमाइज किया जा सकता है, तो किसका उपयोग कर ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सो हाइट डेस्कटॉप। ओके, तो याद रखना है सो हाइट डेस्कटॉप से है ना जितने भी आपका प्रोग्राम्स फाइल्स खुला रहेगा उनको एक साथ मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे देखिएगा। तो वही है, याद रखना है ना, तो इसका जो उपयोग है विंडो में सभी प्रोग्राम्स फाइल को एक साथ जो है मिनिमाइज किया जा सकता है सो हाइट के द्वारा, ठीक है, सो हाइट डेस्कटॉप के द्वारा। और इसके लिए टास्क बार के दाएं मतलब राइट कॉर्नर में दोस्तों सो डेस्कटॉप बटन, ठीक है, क्लिक करके किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और वही है, याद रखना है कि इससे प्रोग्राम्स और विंडो को बिना बंद किए डेस्कटॉप को एक्सेस किया जा सकता है।
और डेस्कटॉप में दोस्तों है ना आकार फिर से इस पर क्लिक कर प्रोग्राम्स या फाइल को शो किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम में है ना खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है, तो एक पंखा होता है वो किससे जुड़ा होता है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना डी है, सीपीयू से जुड़ा होता है। ठीक है, जो पंखा होता है वो किससे जुड़ा होता है, सीपीयू। ओके, सीपीयू है ना, और जो पंखा है वो मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, सीपीयू मदरबोर्ड। ठीक है, अगर सीपीयू नहीं रहेगा मदरबोर्ड रहेगा तो मदरबोर्ड लगाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं, कूलर फैन बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू फैन भी बोलते हैं, कूलर फैन भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, देखिए कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर आपका देखिएगा ऑप्शन, काफ़ी सरल प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, किसको बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कंप्यूटर का सुपरवाइज़र। क्यों कहते हैं देखिएगा, तो वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्रामों का समूह है। और देखिए कंप्यूटर सिस्टम और उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको जो है चलाने के लिए है ना, इनको कार्यों के अनुसार चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मदद करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। और वही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कंप्यूटर चालू होने से मतलब बूटिंग होने से लेकर बंद होने तक, शट डाउन तक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ये है ना निम्नलिखित है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंपनी का जो है देखिएगा, इतने सारे वर्जन है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी और माइक्रोसॉफ्ट 2000, ठीक है, एमएस है ना 2000, और विंडोज़ विस्टा, ध्यान दीजिएगा, विंडो एक्सपी विंडोज़ है ना 2000, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, ठीक है, और 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, ध्यान दीजिएगा, ये सब विंडोज़ का है। ओके, माइक्रो और उसके बाद आपका एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल आईओएस, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स आपको पता ही है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ओएस एक्स उबंटू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और एमिगा है, ठीक है, ये भी देख लीजिए, वर्क बेंच है, अटारी स्टॉस, हाइकिया, हाइकू, हाइकू, ओके, ये हाइकू, प्लान 9, सोलारिस, बीएचडी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बनना चाहिए, कंप्यूटर जीके से संबंधित है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है, ध्यान दीजिए इसको, देखिए भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक और डिजिटल इंडिया के वास्तुकार कौन थे, तो कौन थे, ऑप्शन है देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिए, राजीव गांधी। तो वही है, याद रखना कि 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसी वर्ष से कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, चलिए देखिए कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लैटिन। ठीक है, अगर लैटिन नहीं होने की स्थिति में आप ग्रीक लगाइएगा, ग्रीक नहीं होने की स्थिति में, ग्रीक और लैटिन दोनों नहीं है तो आप अंग्रेजी लगाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, तो याद रखना है कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है, याद रखना है, जिसे किससे लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है ना, किस सब पूछा जा सकता है किस शब्द से लिया गया है, तो आंसर लगाइएगा कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और इसका कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करने के लिए होता है, ठीक है, गिनने के लिए या योग करने के लिए होता है। और वही है कंप्यूटर शब्द का जो है अगर सटीक अर्थ पूछा तो याद रखना है गणना करने वाला उपकरण या यंत्र। ठीक है, यह है, ध्यान दीजिएगा, गणना करने वाला उपकरण या यंत्र। ओके, चलिए देखिए भारत में विकसित पहला कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था, तो कौन सा था, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ओके, याद रखना है आपको। देखिए कीबोर्ड में टैब बटन का उपयोग किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखेंगे ए सही है। ठीक है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए है ना। देखिए निम्न में से कौन प्रोग्रामों का समूह है, तो कौन सा है जो प्रोग्रामों का समूह है, यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, एसेसरीज, ध्यान दीजिएगा, एसेसरीज सभी में होता है, विंडो एक्सपी, विंडो 7, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखने की प्रोग्रामों का समूह है एसेसरीज, और ये याद रखने की विंडो के साथ आता है। ओके, तो ये विंडो के साथ इनबिल्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, याद रखिएगा, और ये कई यूटिलिटी प्रोग्रामों का एक समूह होता है दोस्तों, जिसमें निम्न प्रोग्राम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखने की ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र इसी के अंतर्गत
होता है, कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, कनेक्ट टू अ नेटवर्क प्रोजेक्ट, गेटिंग स्टार्टेड, मैथ इनपुट पैनल, नोट पैड भी इसी के अंतर्गत होता है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, पेंट हो गया है ना, रिमोट, डेस्कटॉप कनेक्शन, रन, स्निपिंग टूल, साउंड रिकॉर्डर, स्टिकी नोट्स, ठीक है, याद रखना है, विंडो एक्सप्लोरर, ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है, और सिस्टम टूल, टैबलेट पीसी, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एसेसरीज के अंतर्गत होता है, ओके, तो याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके, चलिए, देखिए स्थानीय डाटाबेस को ये भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जियो डाटाबेस, ध्यान दीजिएगा, जियो डाटाबेस कहा जाता है। चलिए पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि डाटाबेस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो डाटाबेस दोस्तों याद रखना है कई सारे डेटा का जो है एक समूह होता है, जो आंकड़ा होता है ना, एक एक करके जो सूचना होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, एक साथ रखा जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, डाटाबेस कहा जाता है, ठीक है। डाटाबेस मतलब डाटा प्लस बेस, ठीक है, और ये याद रखना है कि यह एक संग्रहालय होता है डेटा का, ठीक है, आंकड़ों का जो है एक व्यवस्थित संग्रहालय होता है, याद रखिएगा, है ना, और इसे व्यवस्थित तरीके से दोस्तों स्टोर किया जाता है, ओके, याद रखना है, और ज़रूरत पड़ने पर इस डाटा को आसानी से एक्सेस किया जाता है, याद रखिएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग की डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो डाटा को जो है व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों DBMS का फुल फॉर्म, तो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इन्हीं को डाटाबेस है ना सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो याद रखना है ये जितने भी है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, याद रखना है, MySQL, PostgreSQL है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, जो BCA किए होंगे आपको पता ही होगा दोस्तों, है ना, MS Access के बारे में, SQL सर्वर, अगला देखिएगा फाइल मेकर है, याद रखिएगा फाइल मेकर को, उसके बाद ओरेकल है ना, ओरेकल, RDBMS, ठीक है, DBase, क्लीपर, फॉक्स प्रो, ठीक है, तो ये सब डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखना है लाइफ टाइम के लिए, ओके। चलिए देखिए स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जिटर कहलाता है, याद रखना है दोस्तों जिटर कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब एक सिग्नल को भेजा जाता है एवं उसे रिसीव किया जाता है तो इस प्रक्रिया के दौरान दोस्तों लगने वाला समय या विलंब को ही क्या बोलते हैं, जिटर कहते हैं, ओके, तो ध्यान दीजिएगा जिटर किसको बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये है देखिए वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, फिल रेट, याद रखना है फिल रेट। चलिए डिटेल से देखते हैं, तो याद रखना है कि एक वीडियो कार्ड जिसे डिस्प्ले कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड या डिस्प्ले अडाप्टर या ग्राफिक्स अडाप्टर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, तो जनरली इसको ग्राफिक्स कार्ड के नाम से जाना जाता है, ओके, याद रखना है कि इसी के सहायता से जो है वीडियो का जो है क्वालिटी बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि यह एक क्या होता है, एक्सपेंशन कार्ड है ये, जो डिस्प्ले डिवाइस जैसे आपका कंप्यूटर मॉनिटर के लिए आउटपुट इमेज की एक फीड तैयार करता है, ओके, याद रखना है कि इसी के सहायता से जो है वीडियो इमेज अच्छे क्वालिटी में दिखाई देता है, ओके, याद रखना है आउटपुट के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, फिल रेट वह है दोस्तों जिसमें ग्राफिक्स कार्ड पिक्सल की संख्या को मेमोरी में प्रति सेकेंड की दर से दोस्तों राइट करता है, ठीक है, याद रखिएगा कि इसे मेगापिक्सल या गीगापिक्सल प्रति सेकेंड से मापा जाता है, ओके, याद रखना है कि वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड में दोस्तों फिल रेट जितना अधिक होगा वीडियो क्वालिटी जो है उतनी अच्छी या अधिक होगी, ओके, तो याद रखिएगा, है ना, ग्राफिक्स कार्ड जो है इंपॉर्टेंट है, और ग्राफिक्स कार्ड जो है बनाने वाली विभिन्न कंपनियाँ हैं इंपॉर्टेंट, आसूस, याद रखना है इसको, जीगाबाइट और योगा है ना, जोटेक है और सेफ फिरे और इन्नो 3D, ठीक है, तो याद रखना है ये अधिकतर जो है अभी आधुनिक ग्राफिक्स कार्ड की जो मेमोरी क्षमता कितनी होती है 1 GB से लेके 12 GB तक होती है, और जनरली जो वीडियो एडिटिंग करते हैं कंप्यूटर में है ना, जो फोटोशॉप में काम करते हैं या कोरल ड्रॉ में काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड जो है लगाना अनिवार्य रहता है ना, उसी की सहायता से अच्छा वीडियो चलता है या इमेज अच्छे क्वालिटी में दिखता है, ओके, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए कंप्यूटर की टास्क मैनेजर को किस की कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है, तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अल्ट कंट्रोल डिलीट, याद रखना है तीनों की जो है कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है टास्क मैनेजर को, ओके।
ये है। देखिए एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है, तो नया फाइल खोलने के लिए है तो सिंपल सा प्रश्न है, बनना चाहिए ये, है ना। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना कंट्रोल प्लस एन सीटीआरएल प्लस एन, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु किस बटन को दबाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, F5 को दबाया जाता है, ध्यान दीजिएगा स्लाइड शो के लिए, तो याद रखिएगा, है ना। तो ये शॉर्टकट की है, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल प्लस F1 से शो हाइट रिबन होता है जो ऊपर में होता है ना मेनू बार के नीचे, ठीक है। और उसके बाद CTRL प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, F12 सेव करने के लिए, ठीक है, सेव एस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल प्लस P है ना प्रिंट स्लाइडेस स्लाइड को जो है प्रिंट देने के लिए, F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। ओके चलिए ये वाला प्रश्न, देखिए डॉक्यूमेंट मूवीज़ इमेजेस एवं फोटोग्राफ्स को स्टोर किया जाता है, तो किस में स्टोर किया जाता है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, फाइल सर्वर में, याद रखना है फाइल सर्वर में। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64-बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर में दो ही बिट होते हैं, एक 32-बिट और एक 64-बिट, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, विंडोज़ XP। ओके ध्यान दीजिएगा विंडोज़ XP। चलिए देखिएगा कि बिट जो है ना बाइनरी डिजिट जो कि प्रोसेसर से शुरू होता है, याद रखना है, और 32-बिट प्रोसेसर पर कार्य करने वाला कंप्यूटर दोस्तों 32-बिट्स डाटा यूनिट्स पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। जो 32-बिट्स का जो कंप्यूटर है वो 32-बिट्स डाटा रीड करता है, ध्यान दीजिए, है ना, 32-बिट तक वो जो है कार्य करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 32-बिट्स प्रोसेसर पर कार्य करने वाला जो है कंप्यूटर 64-बिट वर्जन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके और यही है कि 64-बिट पर आधारित कंप्यूटर से दोस्तों याद रखना है, है ना, 64-बिट्स डाटा यूनिट्स पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, 64-बिट वाला ज़्यादा अच्छा है, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। आजकल जो है 32-बिट्स वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए जाते, 64-बिट्स वाला किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है और याद रखना है कि 32-बिट और 64-बिट प्रोसेसर में दूसरा बड़ा अंतर रैम सपोर्ट को लेकर रहता है। याद रखना है कि 32-बिट कंप्यूटर अधिकतम दोस्तों 3 से 4 GB रैम सपोर्ट करता है, जबकि 64-बिट जो प्रोसेसर है वो 4 GB 8 GB 16 GB तक जो है रैम सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें देखिएगा आप, है ना, 8 GB रैम, है ना, 16 GB रैम ये लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि विंडोज विस्टा हो गया, विंडोज XP हो गया, है ना, विंडोज 7 हो गया, विंडो 8, विंडो 10, ये सब दोस्तों 64-बिट वर्जन में आती है, ठीक है, 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे तो, है ना, उसमें दिया रहता है कि आप 32-बिट लोगे कि 64-बिट लोगे, ठीक है, तो 64-बिट वाला जो प्रोसेसर है वो अच्छा रहता है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि अपने कंप्यूटर का जो है बिट्स जानने के लिए माय कंप्यूटर को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज को जो है क्लिक कर चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिखता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार दिखता है। ओके चलिए देखिए हाल ही में चर्चित डायवल PC इसका संबंध किससे है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूटर वायरस, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि डायवल PC एक कंप्यूटर वायरस है और इस कंप्यूटर वायरस के जरिए दोस्तों हैकर से ईमेल के माध्यम से मैलवेयर इनको दोस्तों कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और जिससे कंप्यूटर के डेटा को क्या होता है नुकसान पहुंचता है और उसके बाद यूजर से दोस्तों धन मांगा जाता है, पैसों की मांग किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। निम्डा आई लव यू स्टार्कनेट कॉन्फ्लिकर है, वेल्ची है, माइडूम, ध्यान दीजिएगा, मॉरिस वर्म है, SQL स्लैमर है और वही है क्रिप्टोलॉकर, है ना, टिनबा याद रखिएगा, स्लायर है, स्टॉर्म वर्म है ना, ट्रोजन हॉर्स, एडवार, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मेलिसा कोडरेट, ठीक है। और भी है देखिए हैप्पी बर्थडे जोशी, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में दिखाई देने वाला ये पहला वायरस है, याद रखिएगा। सी ब्रेन और मंकी और देखिए वाल हॉफ, माइकल एंजेलो, क्रीपर, ये क्रीपर के बारे में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम है और आपका चंगू मंगू, आई लव यू, ठीक है, लॉबक, ये भी आपका वायरस है, ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उच्च गति हाई स्पीड होता है, सटीकता एक्यूरेसी देता है, एक्यूरेसी के साथ काम करता है कंप्यूटर, भंडारण क्षमता अधिक होता है दोस्तों, जितना चाहे हम लोग स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, विश्वसनीयता, ठीक है, और विविधता है,
कर्मठता, निरंतरता, स्वचालन है, ध्यान दीजिएगा, और है ना बहु कार्य, एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, स्मरण शक्ति तो होता ही है, ठीक है, त्वरित निर्णय है ना, क्विक डिसीजन, और कार्य कुशलता, गोपनीयता भी है। ओके, तो याद रखना ये सब कंप्यूटर की जो है विशेषताएँ हैं। ओके, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है, तो क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बिंग, ध्यान दीजिएगा बिंग। चलिए देखिएगा सीपीयू। ओके, तो आपको पता ही है दोस्तों सीपीयू, ठीक है, किसको बोलते हैं सीपीयू, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये जो है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है ना, और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिएगा इंटेल कोराई 7 लिखा है, यही है आपका क्या प्रोसेसर, ध्यान दीजिएगा। ओके, और याद रखना है दोस्तों, देखिए सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से दोस्तों प्राप्त जो है डेटा, निर्देशों को नियंत्रित करता है, संचालन करता है। ओके, और उसे प्रोसेस करके जो है रिजल्ट देता है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का संचालन भी यही करता है सीपीयू। ओके, ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकार से जो है ये कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके बिना जो है कंप्यूटर है ना कार्य नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। या ये जो है मदरबोर्ड से लगा होता है, जिसे सीपीयू फैन के नीचे जो है देखा जा सकता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, देख लीजिएगा, बीच वाला जो है मदरबोर्ड है, और ये किनारे वाला जो है क्या है प्रोसेसर है, और ये आपका प्रोसेसर फैन है, प्रोसेसर फैन के नीचे जो है होता है प्रोसेसर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेसर फैन है या सीपीयू फैन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और याद रखना है कि सीपीयू जो है अपना जो कार्य है वो तीन सहायक उपकरणों की सहायता से करता है, पहला मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद ALU है ना, ALU। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कोर, याद रखना है कोर किसको बोलते हैं, सीपीयू में होता है कोर, आप लोग सुने होंगे ना Core i3, Core i7, Core i5 है ना, तो उसी को देखेंगे। तो प्रत्येक सीपीयू में दोस्तों कम से कम एक प्रोसेसर लगा होता है, और इस प्रोसेसर को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग कोर कहते हैं, है ना, जिसका जितना ज्यादा कोर होगा दोस्तों वो उतना ही फास्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। और कुछ वर्ष पहले तक दोस्तों सीपीयू को सिंगल प्रोसेसर से ही काम करना पड़ता था, ध्यान दीजिएगा, सिंगल कोर प्रोसेसर वाले अगर हम प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो ये पेंटियम 4 है, याद रखिएगा। और देखिए मैं जो है पेंटियम 3 से काम कर रहा हूँ, ओके, और उसके बाद देखिए आपका डुअल कोर, तो डुअल कोर किसको बोलते हैं, जिस सीपीयू में दोस्तों दो प्रोसेसर होते हैं उसे डुअल कोर प्रोसेसर कहते हैं, इसका जो उदाहरण है इंटेल पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर, इसी प्रकार के जो है ना प्रोसेसर है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वाड कोर प्रोसेसर, तो वह सीपीयू दोस्तों जिसमें चार प्रोसेसर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं, इंटेल i5 प्रोसेसर जो है इसी प्रकार के प्रोसेसर का उदाहरण है, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आपका हेक्सा कोर प्रोसेसर, तो हेक्सा कोर वह सीपीयू जिसमें 6 प्रोसेसर लगे होते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका जो उदाहरण है हेक्सा कोर का, इंटेल i7 प्रोसेसर इसी प्रकार के जो है प्रोसेसर का उदाहरण है। उसके बाद आपका ओक्टा कोर प्रोसेसर, तो वह सीपीयू दोस्तों जिसमें 8 प्रोसेसर लगे होते हैं, याद रखना है, उसे क्या बोलते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर बोलते हैं। और ये 9 है ना जनरेशन आपको पता ही दोस्तों है ना, तो जो 9th जनरेशन के बाद वाला जो प्रोसेसर है, जैसे आपका इंटेल i7 प्रोसेसर इसी प्रकार के जो है प्रोसेसर का उदाहरण है, लेकिन 9th जनरेशन के बाद, जैसे आपका है ना 12th जनरेशन हो गया, 10th जनरेशन हो गया, 11th जनरेशन हो गया है ना, ये वाला जो प्रोसेसर बन रहे हैं वो कौन सा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली दो कंपनी है, याद रखना है, पहला आपका इंटेल, इंटेल के बारे में आप सबको पता ही है ना, फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है, दो कंपनी है जो कि है ना माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, याद रखिएगा। ओके, तो ये है आपका सिंबल, देख लीजिएगा दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका किससे आखिर बनता है ना माइक्रो प्रोसेसर, किससे बनता है, तो देखिए ये है ना, अगर हम कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो एग्जाम में सिलिकॉन लेता है, है ना, तो ये जो है सिलिकॉन से बनता है, जिसमें बहुत सारे पिन या छोटे छोटे डॉट गोले के रूप में डॉट डॉट लगा होता है ना, देखे होंगे आप लोग, पिन लगा होता है, तो सिलिकॉन एग्जाम में सिलिकॉन लेता है। लेकिन और अगर हम डीप में जाएं तो कंप्यूटर चिप्स और प्रोसेसर बनाने में दोस्तों तीन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका सिलिकॉन हो गया, प्लास्टिक व तांबा शामिल है। ओके, देखिए ये जितने भी है दोस्तों इसको सर्च करने में बहुत टाइम लगा दोस्तों, है ना, मैं जो है कंप्यूटर हार्डवेयर किया हूँ तो मेरे को पता है बहुत सर्च करना पड़ता है ना इसके संबंध में,
ठीक है, तथ्यों को जुगाड़ करने में। तो वही है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ उन तक जरूर शेयर करिएगा जो बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए और भी है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, या तो सिलिका सैंड या क्वार्ट्ज से है ना आता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इंटेल के जो है महत्वपूर्ण प्रोसेसर कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको रखना है याद, 80286, 8086 है ना, 386 DX, सेलेरॉन डी, सेलेरॉन पेंटियम है ना, 3 है, पेंटियम 4 है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, सेलेरॉन डुअल कोर और कोर टूडियो, कोर i3, कोर i5 डुअल कोर, कोर i5 क्वाड कोर, कोर i7 है ना, कोर 2 क्वाड, तो ये सब आपको क्या करना है, रखना है याद, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा IMP फैक्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि कंप्यूटर में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जो शुरुआत है कौन सी पीढ़ी से हुआ, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 1976 से 1989 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। लेकिन बना कब बना दोस्तों, देखेंगे है ना, कब बना माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब बना, तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। ओके, तीन टांग वाला ट्रांजिस्टर, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये माइक्रो प्रोसेसर है या एक क्या है, मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना है, देखिए और भी है कि दुनिया का जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, 4004, याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में और कई बार पूछा गया है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, 4004। ओके, जिसे इंटेल कंपनी द्वारा दोस्तों 1971 में बनाया था। और माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है इंटेल के इंजीनियरों फेडरिको फॉगिन और मार्सियन ई हफ स्टेन मजूर व मासातोशी शिमा जेम्स मैक इवेन ने किया था, ठीक है। तो इन सब का नाम आपको क्या करना है, रखना है याद, माइक्रो प्रोसेसर किसने आविष्कार किया, ठीक है। अब देखिए ये है कि पर्सनल कंप्यूटर में दोस्तों है ना, पर्सनल जो कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निर्मित होता है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आया हुआ है।